Hey guys, this is Kuldeep and you're watching UPSC Library. So, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में, बिकॉज अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के एक स्ट्रेच को उसका इनॉग्रेट करके आया. सो देखेंगे इस लेक्चर में. और सो ये आज का लेक्चर है, सो उसको देखें तो उसके अलावा और देखेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्राइट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में भी इस लेक्चर में जानेंगे. अगर ये दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न जो नाम दिए गए हैं और ये कहाँ पर हैं और इनकी जो स्ट्रेच की जो लंबाई है और कैसे कैसे इनके बारे में और जानकारी देखेंगे. सो अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी. और आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं. सो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर मतलब जो मालगाड़ियाँ जो होती हैं तो उसका जो पटरियाँ जो होती हैं, ट्रेन की पटरी, उसके जो रास्ते को ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बोला गया. सो ये ईस्टर्न है मतलब ये इंडिया के ईस्ट में से स्टार्ट होता है और वेस्टर्न वाला इंडिया के वेस्ट साइड में है. इसी वजह से इनके नाम से पता चल रहा है ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर. सो अभी जो इसका जो ईस्टर्न डेडिकेटेड का जो फ्राइट कॉरिडोर है उसका जो स्ट्रेच जो हुआ वो कितना, वो 351 किलोमीटर उसका सेक्शन है, उतना स्ट्रेच लंबा था. जो बुल्ट किया उसकी जो कॉस्ट जो थी उसकी वो है 5,750 करोड़ थी उसकी कॉस्ट. तो वो उसमें गया. तो उसको न्यू एवेन्यू जो उसको लॉन्च किया गया, इसको इनॉग्रेट जो इसकी वजह से जो वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है ना जो यूपी की, तो वहाँ से उनको थोड़ा उनको बेनिफिट मिलेगा इसके इस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से. और स्पेशली जो स्टेट जो इनोग्रेट किया है, सो EDFC जिसका शॉर्ट फॉर्म है, वो एक 1840 किलोमीटर लंबा ये फ्राइट कॉरिडोर है. और इट एक्सटेंड फ्रॉम द लुधियाना से लेके जो लुधियाना जो पंजाब से लेके कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल मतलब पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है. देन इसके बारे में भी और है कि ये स्टार्ट होता है लुधियाना के मेन जो सैनवाल जो एरिया वाला एरिया वहाँ से ये स्टार्ट होता और बाद में ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वहाँ से इन स्टेट्स होते हुए ये दनकुनी जो कि वेस्ट बंगाल का एरिया वहाँ पर ये ख़त्म होता. तो ये इसकी लंबाई हुआ और ये इतने स्टेट इस फ्राइट कॉरिडोर में ये इतना इन स्टेट्स में होके जा गया हुआ. सो ऑल्सो इट और इसके बाद भी ये जो इसकी कंस्ट्रक्ट इसको जो किया गया है वो किया गया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है. सो ये इनको कंस्ट्रक्ट कर रही है. सो डेट हैज बीन सेटअप एज ए स्पेशल पर्पज फॉर व्हीकल टू बिल्ड एंड ऑपरेट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर. सो ये स्पेशली सिर्फ इन्हीं को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसको उनको ऑपरेट करने के लिए इस डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इसको सेटअप किया गया है. सो इस चीज़ को भी आप याद रखना. देन इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई. सो ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वो प्रोजेक्ट टू कैटर द नंबर ऑफ ट्रैफिक जो स्ट्रीम है मतलब जो इस नदन रीजन में जो इंडियन का जो इंडियन ट्रेड का जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा और ईजी करे, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारे पावर प्लांट है जो कोल पावर प्लांट है लाइक यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में और या कुछ राजस्थान में भी है. तो वहाँ पर उन पावर प्लांट पर कोल को पहुँचाना या जो ईस्टर्न कोल फील्ड्स है वहाँ से कोल वहाँ से उन कोयले को उन पावर प्लांट तक पहुँचाने में इनका यूज़ किया जाएगा, जो वो काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा बाकी, बिकॉज इससे वहाँ की जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा ईजी चलेगा. और लाइक उसमें जो इसके अलावा जब वहाँ पर जो इंडस्ट्री है लाइक स्टील इंडस्ट्री, फूड ग्रेन्स या सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, लाइम हो गया जो राजस्थान से होकर जाता है, बाकी जो अदर इंडस्ट्री उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा. और वहाँ पर जो फ्राइट के जो माल गाड़ी है उनकी जो मूवमेंट होगी ना वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, जो मूवमेंट की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा इंक्रीज होगी. सो अगर मूवमेंट इंक्रीज होगी तो जो सामान पहुँचाने का जो टाइम है वो थोड़ा और कम होगा. तो इससे इंडिया की GDP में थोड़ा और पुश मिलेगा, बिकॉज इन मालगाड़ी से जो सामान जल्दी पहुँचेगा तो उतने ही और ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे. सो इसमें ये डायरेक्टली ये इसको बेनिफिट देगा. सो इस पिक्स में आपको क्लियर पता चलेगा तो ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कहाँ कहाँ है. सो ये जो ब्लू लाइन वाला है तो ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और ये जो रेड वाला है ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर. सो जो ये इंडिया के वेस्ट में इसीलिए इसको वेस्टर्न बोला गया है और ये ईस्ट में इसको इसलिए ईस्टर्न बोला है. सो इस चीज़ को आप याद रखना. देन इसके अलावा ये जो वेस्टर्न वाला है इसको जापान फंड कर रहा है और जो वेस्ट वाला है
इसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। सो यहाँ से वेस्टर्न वाले को जापान से पैसे मिल रहे हैं और यहाँ से ईस्टर्न वाले को वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल रहे हैं, मतलब फ़ंड मिल रहे हैं। और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है यहाँ इतने इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा इन राज्यों से होकर जा रहा है और मेनली वहाँ पर जो वडोदरा वाला इन एरिया में, तो ये मेनली इनके पॉइंट होंगे। देन ये जो ईस्टर्न वाला मैंने बता दिया, लुधियाना से खुर्जा, खुर्जा से कानपुर, कानपुर से मुगलसराय, मुगलसराय से सोनागढ़, ने सोनागढ़ दनकुनी, देन दादरी से खुर्जा, ये मतलब इनके स्टॉपेज बने हुए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट और इसके अलावा और भी स्टॉपेज बने हुए हैं। सो इनकी ये लंबाई है। सो देन ईस्टर्न की जैसे बताइए 1839-40, देन वेस्टर्न की 1499 के इनकी इसकी लेंथ है। सो इन चीज़ को आप याद रखना। सो ये बताए गए हैं। देन इसके अलावा अब ये स्पेशली ये जो इसका इनॉग्रेट हुआ है तो इसका स्ट्रेच के बारे में बताया। सो ये जो स्ट्रेच हुआ 351 किलोमीटर लंबा, तो ये जो येलो लाइन है तो इस स्ट्रेच का यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर ने, तो इस चीज़ को याद। तो इसमें खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, टूंडला और बाकी अदर सिटीज़ भी इसमें आती हैं जो यूपी की सिटीज़ हैं। सो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की सिटीज़ जो वो भावपर से लेके खुर्जा से लेके यहाँ तक के इनमें किया गया। सो इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोला है इसको इनॉग्रेट करके, तो ये सो इनॉग्रेट न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बोला, और इनको बोला है कि द वाइब्रेशन एंड द रोर ऑफ भारत एंड आत्मनिर्भर भारत वर क्लियरली हियर्ड एज द फर्स्ट फ्रेट ट्रेन रैन ऑन द खुर्जा भावपुर। मतलब इन्होंने उसको बोला जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो प्रोग्राम है जो इंडिया के लिए, वो इसको और ज़्यादा पुश करने के लिए इसमें ये डेडिकेटेड कॉरिडोर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये काफ़ी बड़ा रोल, मतलब इनका रोल काफ़ी मेजर रोल होगा और ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे इसमें, इनको इनकी स्पीच में ये बोला। इसके अलावा मोदी ऑल्सो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो इनोग्रेट द EDFC ऑपरेशन सेंटर, मतलब जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उनके जो ऑपरेशन सेंटर उनको भी इनोग्रेट किया है, जो कि प्रयागराज जो को अलाहाबाद जो प्रयागराज में ऑल्सो एंड फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन। सो ये सब चीज़ें उन्होंने इनोग्रेट की थी इसके साथ साथ, तो इस चीज़ को भी याद रखना। जो ऑपरेशनल सेंटर है EDFC का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट को, वो कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सो इसके बेनिफिट्स देखें, जो इंडस्ट्री हैं लाइक एलमिनियम इंडस्ट्री होगी जो कि कानपुर वाले रीजन है, कानपुर देहात वाले, इसलिए कानपुर देहात वाले रीजन में है, या डेयरी सेक्टर हो गया जो कि औरैया में, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, या ब्लॉक प्रिंटिंग होंगे जो इटावा में, या ग्लासवेयर इंडस्ट्री जो फिरोजाबाद में, या पॉटरी इंडस्ट्री, या पॉटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो खुर्जा में बनते हैं, या जो असाफोइडा जिसको हम हींग बोलते हैं जो हाथरस स्पेशली, इसके अलावा जो लॉक्स एंड हार्डवेयर हैं जो कि अलग अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, उनके लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। बिकॉज यहाँ से जो गुड्स की जो मूवमेंट है, सो यहाँ से जब ये प्रोडक्ट बनेंगे तो इनकी जो गुड्स की जो मूवमेंट्स हो जो होगी वो और ईजिली होगी और फास्ट होगी, तो इनके पहुँचाने में जो टाइम जो पहले बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा था तो वो टाइम और डिक्रीज होगा। तो जब ये चीज़ें डिक्रीज होंगी तो इनकी जो प्रोडक्शन में और ज़्यादा इंक्रीज आएगी। सो इसी वजह से ये जो कॉरिडोर हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे इंडस्ट्रीज पर्पज़ से। देन इसके बिकॉज इंडस्ट्री पर्पज़ से इसलिए बिकॉज ये जो फ्राइट कॉरिडोर इनको सिर्फ मालगाड़ी जो फ्राइट कॉरिडोर हैं जो मालगाड़ी ट्रेन जो होती हैं उनके लिए स्पेशली ही ये कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, ना कि और इनमें पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी। सो स्पेशली फ्राइट जो ट्रेन होती हैं मालगाड़ी टाइप की, तो उन वही ट्रेन ही इन पर चलेंगी। देन इसके अलावा एक और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना, तो इसके बारे में देखते हैं। सो ये 1504 किलोमीटर लंबा है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है जो कि दादरी से स्टार्ट होता है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये कहाँ तक जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो कि कंट्री का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जो कि मुंबई में महाराष्ट्र में। सो दादरी यूपी से लेके महाराष्ट्र तक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। सो द प्रोजेक्ट विल फंडेड बाय सॉफ्ट लोन, जो 4 बिलियन के सॉफ्ट लोन से फंडेड है, कहाँ से? जापान, जैसे मैं बताया गया कि जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी एंड स्पेशल टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टेप, मतलब ये याद रखना कि वेस्टर्न वाला जापान से है, मतलब वेस्टर्न वाला जापान से और ईस्टर्न वाला वर्ल्ड बैंक से, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। देन इसके बाद ये इसकी पिक्चर है, तो इस पिक्चर से आप याद रखना। सो यहाँ ये दादरी से होते हुए यहाँ महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये यहाँ से फैला हुआ, ये राजस्थान,
गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो ये इन तीन स्टेट से होते हुए जाता है, प्लस ये यहाँ पर हरियाणा और ये यूपी, ये चार पांच स्टेट से होते हुए जाता है, इस चीज़ को आप याद रखना। देन इसके बाद इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब इन सब फ्राइट कॉरिडोर की ज़रूरत क्या पड़ रही, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में जो ट्रेन जो सिस्टम है, जो ट्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी बिछी हुई है लाइन है ट्रेन की, वो भी तो हैं। तो सो इसमें देखेंगे, सो इसमें ये है कि जो रूट है, रूट जो कैरी अभी 52% जो रूट कैरी वो पैसेंजर ट्रैफिक है, और प्लस 58% है वो फ्राइट टैरिफिक है, तो इसमें ये बताएगा। सो अकॉर्डिंग टू द मेक इन इंडिया रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें बोला है कि 52% जो ट्रैफिक है वो तो पैसेंजर ट्रैफिक है, और प्लस जो 58% जो ट्रैफिक है वो फ्राइट ट्रैफिक है, फ्राइट मतलब जो मालगाड़ी टाइप के हैं। सो ऑल्सो दीज रूट्स आर हाईली सैचुरेटेड, सो इसी चीज़ की वजह से जो ये जो रूट हैं उन पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा और हाईली सैचुरेटेड है, कंजेस्टेड है। सो विद द लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रीचिंग एज हाई एज 150%, मतलब ये कि जो इसकी जो कैपेसिटी जो 100% थी वो 100% होते हुए वो 150% तक हो गई। सो इसकी वजह से वहाँ पर जो बर्डन है वो ज़्यादा बढ़ हो गया, सो इनक्रीज द बर्डन, मतलब वहाँ पर जो बर्डन है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसी चीज़ की वजह से इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ज़रूरत पड़ी। सो दे विल ओपन न्यू एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट, सो इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर जब ये फ्राइट कॉरिडोर आए तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने लगेंगे, सर एज दिस विल लीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सो इसी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन भी उसको और लीड करेंगे आगे स्टार्टिंग। ऑल्सो इट लीड टू लॉजिस्टिक्स पार्क एंड अलॉन्ग दीज रूट, सो इन रूट्स के जो आस पास एरिया में वहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क्स की भी कंस्ट्रक्शन भी होना स्टार्ट होगी, सो अगर ये कॉरिडोर ऐसे आते हैं तो। सो इसके अलावा इट इंट्रोड्यूस टाइम टेबल फ्राइट सर्विस, मतलब टाइम टेबल फ्राइट से मतलब ये है कि जब इन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर से मालगाड़ी चलेंगी तो एक टाइम टेबल फ्राइट सर्विस आ जाएगी, मतलब इस टाइम पर यहाँ से ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होंगी, बिकॉज वहाँ पर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी, बिकॉज इनका जो रूट है, इनकी जो पटरियाँ हैं वो स्पेशली इन्हीं के लिए ही बनाई जा रही हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर जो टाइम टेबल फ्राइट सर्विस हो वो एकदम एक्यूरेट होगी। ऑल्सो इट गारंटेड द ट्रांजिट टाइम, देन क्रिएट एडिशनल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर टू केटर हाई लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इसके अलावा जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और एडिशनल होगा, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये और एक्स्ट्रा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसी वजह से जो हाई लेवल जो ट्रांसपोर्ट डिमांड थी जो इंडिया की वो इससे ज़रूरत की जो डिमांड थी वो पूरी होगी, सो ये जो डिमांड फुलफिल होगी, सो इस चीज़ को आप याद रखना। इसके अलावा इंडिया में और भी प्रोजेक्ट हैं, लाइक पहले तो ये ईस्टर्न वाला हो गया, सॉरी वेस्टर्न है ये, देन ये ईस्टर्न, इसके अलावा और भी कॉरिडोर लाइक जो ईस्ट वेस्ट वाला जो यहाँ से वेस्ट बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक है, तो ये ईस्ट वेस्ट वाला हो गया, ये नॉर्थ साउथ वाला जो कि विजयवाड़ा से लेकर यूपी तक है, मतलब यूपी तक, ऐसे ही काफ़ी सारे और कॉरिडोर भी हैं जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं जो कि इनको प्रोस्पेक्ट जो डॉटेड लाइन में दे रखे हैं, लाइक जो कर्नाटका से लेके चेन्नई तक है, तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया की जो डेवलपमेंट में, इंडिया की जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है, या जो फ्राइट की जो फ्राइट जो ट्रेन है जिनकी स्पीड काफ़ी कम है, लगभग एवरेज देखा जाए 20 से 30 के बीच, 20 से 25 के बीच में इनकी एवरेज स्पीड होती है, सो इस एवरेज स्पीड से देखा जाए तो मालगाड़ी की जो एवरेज स्पीड है वो काफ़ी कम है अगर कंपेयर किया जाए बाकी अदर फॉरेन कंट्रीज से। सो वो इस स्पीड को मेंटेन करने और इंक्रीज करने के लिए इन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा नीड थी इंडिया को। सो ऐसे ही एक चीज़ एक हुई थी जो कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन हुआ था, तो जब ये लॉकडाउन हुआ था, जब जो जितनी भी पैसेंजर ट्रेन थी वो सारी बंद हो गई, तो जब पैसेंजर ट्रेन बंद हो गई थी बट जो फ्राइट ट्रेन थी जो मालगाड़ियाँ थी वो चल रही थी, सो इसी चीज़ की वजह से अब इंडियन रेलवे ने एवरेज स्पीड जो इंडियन रेलवे की जो थी जो फ्राइट ट्रेन की वो एकदम डबल हो गई थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए जो फ्राइट ट्रेन की जो एवरेज स्पीड थी वो डबल हो गई थी, और किस डबल हो गई थी ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, पैसेंजर ट्रेन सारी बंद हो गई थी। सो ये न्यूज़ दी गई। सो इसके अलावा जो हमारे रेल मिनिस्टर ने बोला, अकॉर्डिंग टू डिटेल शेयर्ड बाय द रेलवे मिनिस्टर ड्यूरिंग जून 2019 द एवरेज स्पीड ऑफ फ्राइट ट्रेन वाज 23 किलोमीटर, मतलब जून 2019 में देखा जाए जो मालगाड़ी थी उनकी जो एवरेज स्पीड देखा जाए वो कितनी थी 23 किलोमीटर, बट अदर हैंड जब 21 जून 2020 में देखते हैं तो उनकी जब स्पीड जो एवरेज स्पीड होती है फ्राइट ट्रेन की लॉकडाउन के दौरान, तो उनकी स्पीड आती है 42 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल एक डबल लमसम डबल के बराबर। सो यही इसी न्यूज़ में बताया गया है सर कि
कि अपनी जो फ्राइट ट्रेन है उनकी एवरेज स्पीड बढ़ तो सकती है, बट बिकॉज ऑफ द जो पैसेंजर ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन की वजह से उनकी जो मालगाड़ी ट्रेन है उनकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है, बिकॉज जब पैसेंजर ट्रेन को उनको ऑन टाइम पहुंचाना होता है और मालगाड़ी ट्रेन को बाद में किसी स्टॉप पर रोका जाता है एक दो घंटे के लिए, इसी चीज़ की वजह से उनकी जो एवरेज स्पीड होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारे डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। सो इसके बाद अकॉर्डिंग टू पीयूष गोयल जो कि रेल मिनिस्ट्री को चेयर करते हैं, उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो यूटिलाइज कर रही है COVID-19 पीरियड के टाइम जो पैंडेमिक टाइम को उसको यूटिलाइज करते हुए पोस्ट द ऑपरेशन ऑफ फ्राइट ट्रेन सर्विस, जो फ्राइट ट्रेन सर्विस की जो जितनी भी सर्विस हैं उसके जो ऑपरेशन को और ज़्यादा यूटिलाइज करने COVID-19 के पैंडमिक के टाइम में। सो रेलवे मिनिस्ट्री रिसेंटली स्टेटेड दैट एज ऑफ 21 जून 2020 एवरेज स्पीड ऑफ इंडियन ट्रेन फ्राइट ट्रेन हैज़ बीन नियरली डबल एज कम्पेयर टू द एवरेज स्पीड ऑफ लास्ट ईयर। सो ये इसमें बताया था। देन इसके बाद में अगर देखा जाए ये सब तो हैं, अगर डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनते हैं तो उनके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, लाइक उनमें कुछ क्रिटिसिज्म भी आते हैं, लाइक लैंड एक्विजिशन वाला पॉइंट, जो ये लैंड एक्विजिशन वाला पॉइंट है हर फील्ड में लाइक देखा जाए, लाइक कहीं अगर रोड की भी कंस्ट्रक्शन होते हैं या ट्रेन की जो कहीं कंस्ट्रक्शन होती हैं या कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो लैंड एक्विजिशन वाला जो पॉइंट होता है ये इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, बिकॉज जब जहाँ से जब लैंड लेते हैं वो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की ज़्यादा हो जाती है और पब्लिक पार्टिसिपेशन में अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहे तो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लाइक इसमें एक एग्जांपल हो जाता है कि जो बुलेट ट्रेन वाला जो प्रोजेक्ट है जो अहमदाबाद मुंबई में चल रहा है तो वो लैंड लोकेशन की प्रॉब्लम की वजह से वो काफ़ी डिल हो गया। सो इस प्रॉब्लम की वजह से ऐसे काफ़ी सारे इंडिया में प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम से ही वो डिले हो गए, जो ऑन टाइम नहीं हो पा रहे, जिनकी टाइम डेडलाइन थी वो डेडलाइन और ज़्यादा एक्सटेंड कर दी गई है। सो इस चीज़ को भी देन इसके बाद ऑपरेशन मेंटेनेंस मतलब ये देख लीजिए कि जो इंडिया का जो अभी एग्जिस्टिंग जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ढंग से पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। सो जब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा तो जब ये ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनेंगे तो उनका मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो उनकी भी जो वहाँ पर जो मालगाड़ी चलेगी तो उनकी भी जो एवरेज स्पीड फिर दोबारा कम हो जाएगी, तो सो ऑपरेशन और मेंटेनेंस को भी थोड़ा प्रॉपर तरीके से लेके चलना पड़ेगा। देन इसके बाद कॉस्ट बेनिफिट, सो कॉस्ट बेनिफिट को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज जब ऐसे ऑपरेशन में जब ट्रेन और मतलब कोई दो जगह से जब कोई लॉन्ग रूट होता है तो कहीं से अगर ट्रेन से जाया जाए तो वहाँ की जब ट्रेन से जाने का खर्चा वहाँ पर 1500 आता है, बट वही उसी चीज़ को अगर बाई एयर देखा जाए तो वहाँ पर खर्चा 2000 के समथिंग आता है, तो लोग ज़्यादातर एयर सर्विस को प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन 1500 वो ट्रेन वाला। तो यहाँ कॉस्ट बेनिफिट भी देखना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेन सर्विस को अगर सस्ता करना है तो सस्ता इतना करना चाहिए कि जो एयर सर्विस की जो कंपेयर किया जाए तो वो थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट लगे। सो ये जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा और टैकल करके चलना पड़ेगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।